So my first reaction was, okay, yes, this season maybe I would love to go because पहले जबी जबी आया है तब तक मुझे कभी ऐसी feeling नहीं आई थी. हमेशा ये लगता था कि no, let's wait, एक दो season जाने तो फिर देखते हैं. But इस season जैसे ही call आया सबसे पहले ये feeling आई थी कि yeah, I think this is going to be my season. I just want to say that I'm very very excited. I am looking forward. Let's see what happens and I really 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 hope that this one is actually going to be very very memorable. Or जैसे हमेशा मैंने लोगों के मुंह से सुना है जो भी खतरों के खिलाड़ी करके आए कि आप जो यहाँ पर एक्सपीरियंस करेंगे आपको लाइफ टाइम याद रहेगा. सो आई रियली होप दैट इट हैपेंस विद मी एज वेल. या एडवेंचर इज समथिंग दैट आई एंजॉय. एंड एंजॉय मतलब जो हम यूजुअली हम लोग अगर बंजी जंपिंग कर लेते हैं या हम कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, हम ऐसे थीम पार्क्स वगैरह में चले जाते हैं, तो वो हमारे लिए एडवेंचर होता है. बट हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं विद खतरों के खिलाड़ी. आई एंजॉय राइड्स और ये सारी चीज़ें, बट खतरों के खिलाड़ी इज़ गोइंग टू बी अ टोटल डिफरेंट एक्सपीरियंस, काफ़ी डिफरेंट एडवेंचर्स. बट या आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट एज वेल. आई थिंक ही इज़ एन अमेजिंग होस्ट. आई थिंक खतरों के खिलाड़ी के लिए अगर आप सोचें होस्ट का, तो आपके दिमाग में उनसे बेटर और कोई भी नहीं आएगा. और इतने सीजन में वो हमने देख लिया है, वो ऑब्वियसली हर कंटेस्टेंट के फेवरेट हो जाते हैं. वो इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इतना ज़्यादा गाइड करते हैं कि कंटेस्टेंट्स के लिए ईजी हो जाता है स्टंट करना बिकॉज ऑफ रोहित सर. Guys, thank you for always being so supportive and I really hope that now you guys are very very happy कि अब आपको confirmation मिल गया है कि मैं जा रही हूँ. और I really hope कि मैं ऐसे ही आपको खुश करती रहूँ even जब आप season देखेंगे. And yeah, thank you so much. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.